हेलो जी, राम राम। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपकी रक्षाबंधन कैसी गई? उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छी रक्षाबंधन गई होगी, और आपके भाइयों ने बहुत ही अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए होंगे, और आपने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया होगा, और घर पे भुआ भी आई होंगी आपकी, अच्छी अच्छी बातें करी होंगी, और आपने भाई से कुछ खाने के लिए भी अच्छा अच्छा मंगाया होगा आपने। तो काफ़ी ओके डीएम आ रहे थे, जैसे कि लड़का लड़की मेरे जितने भी अच्छे फ्रेंड हैं उनके डीएम आ रहे थे कि हेमा दी, कभी आपने सोशल मीडिया पे अपनी फैमिली नहीं दिखाई, और आज वैसे भी रक्षाबंधन है तो आपने अपने भाई की या किसी सिस्टर के साथ पिक भी नहीं डाली। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपने घर रक्षाबंधन मनाने नहीं गई, क्योंकि मेरा भाई नाराज़ है। और एक ही रक्षाबंधन नहीं, मेरी ये पांचवी रक्षाबंधन है कि जो मैं अपने भाई के हाथ पे कलाई में रक्षाबंधन की राखी नहीं बांध पाई, वो भी एक मजबूरी है। मैंने जो भी कोई एक बड़ी गलती की तो उस गलती का पछतावा हो रहा है मुझे, पर इतनी भी कोई बड़ी गलती नहीं की मैंने। अगर देखा जाए तो गलती को तो भगवान भी माफ़ कर देता है, तो हम तो इंसान हैं। मेरा भी मन करता है, मुझे 5 साल हो गए, मेरे भैया मुझसे नाराज़ है, हम 4 बहन हैं और एक भाई है, और वो भाई भी मुझसे नाराज़ चल रहा है। 5 साल हो गए मुझे राखी मनाए, और भाई इतना नाराज़ है कि उसकी खुशी के लिए फिर मैं घर जाती भी नहीं हूँ। तो मेरा भी मन करता है कि मैं अपने घर जाऊँ, राखी बनाऊँ, बस बात तो यहाँ आती है कि जिसने मुझे 9 महीने पेट में रखा उसका भी फोन नहीं आता, मेरी मम्मी का भी फ़ोन नहीं आता मेरे पास कि तू कैसी है। मेरी नंद आई थी तो वो भी राखी बांध रही थी, तो मेरा भी मन करता है कि मैं जाऊँ अपने घर आस पड़ोस की भाभी से बात करूँ, राखी बांधूँ, पर क्या करूँ, कुछ गलतियाँ हमें मजबूर कर देती है। तो आपसे प्लीज़ यही रिको, मैं आप अपनी गलती बताऊं कि क्या बताऊं कि मेरी गलती क्या है, पर अगर सीधे मायने में देखा जाए तो मेरी इतनी बड़ी कोई गलती नहीं है कि जिस गलती का पश्चात मुझे 5 साल हो गए हैं, पता नहीं कब तक करना पड़ेगा। तो मैं इसीलिए अपने घर नहीं जाती रक्षाबंधन मनाने कि मेरा भाई मुझसे नाराज है, पर जो भी है मुझे भी याद आती है अपने घर जाने की, भाई से बात करने की। मैं सोशल मीडिया पे क्यों बार बार में मेरा मन कच्चा हो जाता है, इसलिए क्योंकि अंदर से टूटी हुई हूँ मैं, पर मुझे खुशी होती है कि अपने भी साथ ना हो के भी तुम्हारा इतना प्यार मिलता है। सोशल मीडिया पे कमी महसूस नहीं होती, लाइव आ जाती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे दुख भी है तो मुझे खुशी भी है कि मुझे मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे मिले हैं, कि मुझे सिर्फ 300 हारों पे कमी महसूस होती है, ना कि मुझे डेली। कुछ बहनें ऐसी होती कि जिनका भाई ना हो कि त्योहार अधूरा होता है,
पर कुछ बहनें इतनी मजबूर हो जाती हैं कि उनका भाई होने के बावजूद भी वो उस सौहार्द को नहीं बना पाती। पर कुछ नहीं, एक दिन ऐसा करके दिखाना है कि वो ही भाई मुझे आके ये कहेगा, बहन कोई नहीं चल घर आ जा, तेरा भाई तेरा इंतजार कर रहा है। मुझे दर्द होता है, मुझे 5 साल हो गए घर गए हुए, पर कोई नहीं, मैंने इसीलिए वीडियो बनाई। मेरा मन छोटा हुआ पड़ा था कि मैं किससे रोऊं, पर वो वजह आपने दे दी डीएम करके कि ऐसा क्या है, आप अपने सोशल मीडिया पे कभी अपने घर वालों को नहीं दिखाया। मन दुखी था इसलिए मैंने वीडियोस बना दी और अपना मन हल्का कर लिया। नहीं, अंदर ही अंदर रोती रहती हूँ कि एक गलती की सजा इतनी बड़ी, जिंदगी भर के लिए। जब घर की याद आती है ना, तो अपने आप ऐसे रूह कांपने लग जाती है कि अब क्या बताऊं। जिसके अंदर दर्द होता है ना, सिर्फ उस दर्द को वो ही जान सकता है। अपने लड़के के साथ टाइम पास कर लेती हूँ, नहीं नहीं काफी ऐसी बहने हैं जिनकी एक गलती जिंदगी भर उनको रोने देती है। प्लीज अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे कमेंट में बताना कि मेरी ऐसी क्या गलती है कि जो मुझे गलती की सजा हर साल मिले, हर साल। ठीक है, नमस्कार।